नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेली फैट रिड्यूस करने की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसे सुबह उठकर आप लोगों को करनी है और प्रण लेना है कि इस फैट को आप लोग जरूर कम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट आप लोगों को करने चाहिए। किसी भी वर्कआउट्स को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। तो स्टैंडिंग एट आप लोग रनिंग एट प्लस भी आप लोग कर सकते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा वार्म अप आप लोगों का हो जाता है, जिससे शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। सभी एक्सरसाइज जो है वो 40 सेकंड्स की रहेंगी। सबसे पहले हम लोग बैक किक एक्सरसाइज कर लेते हैं प्लांक पोजीशन में आकर। इसमें सबसे पहले आप लोगों को प्लांक पोजीशन लेनी है, उसके बाद में आप लोगों को एक पैर को सीधा उठाना है ऊपर की ओर, उसके बाद में उसको नीचे उसी पोजीशन पर लेकर आना है, उसके बाद में दूसरा पैर जो है उठाना है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो इससे ग्लूट की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है और साथ ही आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन जो मसल्स है वो भी इससे एंगेज रहती है, और अगर वो एंगेज रहती है तो डेफिनेटली आप लोगों की वो मसल्स जो है वो पावरफुल हो जाती है और आप लोगों का जो बाहरी फैट है वो हट जाता है। तो अगर आप लोगों को अपने बेली फैट को रिड्यूस करना है तो ये एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर अपने रूटीन्स के अंदर ऐड कर दीजिए। नंबर वन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं, उसके बाद में आ जाता है आप लोगों के पास रेस्ट, और 10 सेकंड के रेस्ट जो है आप लोगों को लेना है हर एक एक्सरसाइज के अंदर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, बाइसिकल के अंदर। इसमें आप लोगों को बाइसिकल चलानी है और वो भी 40 सेकंड्स के लिए। बाइसिकल चलाने के लिए आप लोगों को बाइसिकल की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मैट पर लेट जाइए, सीधा लेट जाइए, उसके बाद में अपने दोनों हाथ जो हैं अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए और उसके बाद में अल्टरनेटिव लेग्स को अप एंड डाउन कीजिए, आप लोगों की बाइसिकल कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप लोगों को करना है 40 सेकंड्स के लिए। ऐसा अगर आप लोग 40 सेकंड्स के लिए कर जाते हैं, साथ में ध्यान रखना अपनी गर्दन को थोड़ा सा हवा में आप लोगों को रखना है, एकदम सरफेस पर झुका के रखेंगे तो आप लोगों की बैली टाइट नहीं होगी, यानी कि हमारी जो कोर मसल्स है वो एंगेज नहीं रहेंगी। अगर थोड़ा सा सर उठा लेते हैं तो बैली जो है वो एंगेज रहना स्टार्ट हो जाएगी और फैट जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 40 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड का रेस्ट आ जाता है। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में तीसरी एक्सरसाइज आप लोगों की आ जाती है। तो ये 5 मिनट का बैली वर्कआउट है जो आप लोगों को करना है सुबह उठकर। और तीसरी एक्सरसाइज बाइसिकल क्रंच है। बाइसिकल क्रंच बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसे आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इन सभी एक्सरसाइज की खास बात यह है कि आप लोगों को कहीं भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत होती है, उसको आप लोग बिछा लें और बाइसिकल क्रंच करने के लिए जस्ट अपने गर्दन को थोड़ा सा हवा में रखें, दोनों हाथ जो है वो गर्दन के पीछे रखें, एक पैर का घुटना मोड़ते हुए जो है विपरीत कोहनी की ओर लेकर आएँ और दूसरा पैर जो है वो एकदम सीधा रहेगा। तो ये एक परफेक्ट बाइसिकल क्रंच है, जिसको इस्तेमाल करने से बैली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। 40 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और ध्यान रखिएगा काउंटर का इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना है, ताकि आप लोग जो है एक परफेक्ट रूटीन के साथ जो है एक्सरसाइज कर सकें। नंबर फोर्थ है आप लोगों के पास क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये बैली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, खासकर ये कार्डियो के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आप लोगों को इससे टेस्ट भी पता लग जाएगा कि अगर आप लोग 40 सेकंड्स तक ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप लोगों का बैली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, या आप लोगों पर इतना बैली फैट नहीं होगा, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबर जो है वो एक प्लांक पोजिशन है और उसके बाद में जब आप लोग जो है अपने पैर को आगे की ओर चेस्ट की ओर लाते हैं विपरीत कोहनी की ओर, तो उससे भी आप लोगों का कार्डियो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी ये बात है कि ये कार्डियो के साथ साथ आप लोगों की बैली लोअर बैली फैट जो है हैंगिंग वैली जिसको हम लोग बोलते हैं उसको भी खत्म करती है। अब आप लोगों के पास आ चुका है 10 सेकंड का रेस्ट। 10 सेकंड का रेस्ट आप लोग ले लीजिए और बैली फैट को रिड्यूस करने में आप लोग खुश रहिए, क्योंकि हम जल्दी आप लोगों का बैली जो है वो रिड्यूस करने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के पास, यानी कि 5वीं नंबर की एक्सरसाइज सीजर किक्स। सीजर्स में जैसे कैंची चलती है वैसे ही आप लोगों को पैर चलाने हैं, और इसके लिए आप लोगों का दोनों हाथ जो है अपने हिप्स के पास में रखना है और एक वी पोजीशन जो है आप लोगों को बनानी है अपने शरीर से, यानी कि आप लोगों की जो हिप्स हैं उस पर ही आप लोगों को रहना है, आप लोगों की कमर जो है वो सरफेस पर नहीं टिकी होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के दोनों पैर भी हवा में रहने चाहिए और दोनों पैरों से आप लोगों को जैसे कैंची चलती है क्रॉस में वैसे ही आप लोगों को चलानी है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। तो वैसा आप लोगों को करेंगे तो बैली इंगेज रहेगी और फैट जो है वो बहुत जल्दी एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी रिड्यूस भी हो जाएगा। अब 10 सेकंड का रेस्ट आप लोगों को लेना है। 10 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आप लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आप लोगों की बैली बहुत जल्दी रिड्यूस होने वाली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नंबर छठे नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है स्कैटर जंप टैप। इसमें आप लोगों को स्कैटर जंप करना है
और साथ ही सरफेस पर टैप भी करना है, तो ये भी 40 सेकंड्स पर आप लोगों को करना है। स्कैटर जंप के अंदर जो है एक पैर जो है आगे रहेगा और दूसरा पैर जस्ट उसके पीछे की ओर जो है डायगोनल पोजीशन में जाएगा, तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर। और अगर हम लोग जंप करते हैं तो जंप होगा, और अगर हम लोग स्कैटर वॉक करते हैं तो स्कैटर वॉक होगा। लेकिन साथ में आप लोगों को सरफेस पर टैप भी करना है, तो ये कार्डियो वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है और इससे टोटल बॉडी फैट भी रिड्यूस होता है। तो ये एक्सरसाइज भी 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करनी है, और 40 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में फिर से आ जाता है आप लोगों के पास रेस्ट। तो ये 6 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और रेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो आराम दीजिए अपने शरीर को। नेक्स्ट 7th नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है स्कैटर वॉक। इसमें आप लोगों को टैप नहीं करना है, सिंपल सी वॉक करनी है, जैसा कि पहले वाले वीडियो में भी दिखाया गया था। उसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक जंप भी छोटा है आप लोगों का, और इसमें भी आप लोगों को स्कैटर वॉक ही आप लोग मान सकते हैं, या स्कैटर जंप भी आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल, इसमें टैप नहीं है। तो ये 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है, और इसमें 40 सेकंड्स जो है आप लोगों का बहुत जल्दी टोटल बॉडी फैट रिड्यूस होगा, और टोटल बॉडी फैट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों की जो बैली फैट है वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में जोड़ दीजिए, और मैं हमेशा आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज बताता हूँ, हर 2 दिन से एक एक्सरसाइज आप लोगों के पास आती है, तो हमेशा आप लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ की जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कीजिए चैलेंज मानकर, ताकि आप लोग अपने आप को फिट रख सकें। नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के पास स्क्वाट। स्क्वाट जो एक्सरसाइज है नंबर 8 एक्सरसाइज है, और इसको भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। स्क्वाट्स बहुत अच्छी होती है घुटनों के लिए वैसे तो, लेकिन अगर किसी को घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के बिना आप लोग जो हैं एक्सरसाइज नहीं करें। स्क्वाट से आप लोगों के ग्लूट्स भी स्ट्रांग होते हैं, आप लोगों की हेमिस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रांग होती है, आप लोगों की बैली फैट भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, और आप लोगों को मिलता है फिश शेप फिगर। और अगर आप लोगों को फिश शेप फिगर चाहिए, अच्छा फिगर चाहिए, तो स्क्वाट पोजीशन लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी बन जाता है, तो ये रूटीन में आप लोग ऐड कर ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में आप लोगों के पास बैली फैट को रिड्यूस करना है तो डेफिनेटली रिड्यूस करना है। तो 9th नंबर एक्सरसाइज भी आप लोग अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। इसमें आप लोगों के पास स्क्वाट विद साइड किक, स्क्वाट करना है और साइड किक लगाना है, स्क्वाट करना है और साइड किक लगाना है, सिंपल सी बात है। दोनों पैरों के साथ आप लोगों को किक लगाना है, ऐसे कि नहीं लेफ्ट और राइट नहीं करना है, दोनों पैरों के साथ किक लगाना है। तो इससे भी आप लोगों की बैली जो है बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, जब आप लोग नीचे की ओर बैठेंगे तो दोनों बैली जो है आगे उभर कर बाहर आएगी, तो एक वर्कआउट जो है उसका कंप्लीट होता है। और ये भी 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है, इससे आप लोगों का अपर बैली और लोअर बैली जो है वो रिड्यूस होता है, और साथ ही आप लोगों का एक वर्कआउट भी कंप्लीट होता है, सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये 9 एक्सरसाइज जो है 5 मिनट के लिए भी अगर आप लोग कर लेंगे अपने रूटीन्स में निकाल कर, तो बहुत जल्दी आप लोगों का बैली फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो को पाने के लिए। जैसा कि हाल ही में मुझे कमेंट मिला है कि चेस्ट फैट को रिड्यूस करने का एक्सरसाइज बताइए, और साथ ही ग्लूट्स को बड़ा करने का, वाइडर हिप्स के लिए भी मिला है, तो वो ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।